आज मैं दिखाने वाली हूँ ये बहुत सुंदर जींस की कलेक्शन जो कि मैंने लिए है मीशो से एंड स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है जस्ट टू सिक्सटी वन दीप्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आज की वीडियो में दिखाऊंगी कुछ बहुत ही सुंदर जीन्स की कलेक्शन सब कुछ मैंने पहन के देखा है बहुत ही कमाल की फिटिंग एंड इनकी स्टाइल आए हैं सबके लिंक मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना ऑल्सो कमेंट सेक्शन पे भी प्रिंट आउट कर दिए सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं टू सिक्सटी वन वाली जीन्स अभी देख लेते हैं उससे पहले मैं आपको ये ब्लैक वाली जीन्स दिखाती हूँ सो भाई हर लड़की के पास एक ब्लैक डेनम जरूर होना चाहिए चाहे आप ऑफिस गोइंग हो चाहे कॉलेज गोइंग हो क्योंकि ब्लैक जेनेम सच में बहुत काम आता है एंड ये वाला जेड ब्लैक कलर का मीशो से मुझे मिला है बहुत ही कमाल का डेनिम आया ये फ्रंट लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरह से प्रॉपर इसका कलर जो है डीप ब्लैक कलर है एंड बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखता है इसका जो प्राइस मैंने पे किया है मीशो पे वो है जस्ट फाइव सेवेंटी रुपीज़ एंड गाइस सच बता रही हूँ इतनी गजब की क्वालिटी आई है इसका जो डेनिम फैब्रिक है सच में बहुत ही हाई क्वालिटी का है कहीं से भी कोई लूज थ्रेड नहीं है क्योंकि इसकी जो स्टिचिंग हुई हुई है बहुत ही फाइनली हुई रखी है एंड फाइव सेवेंटी रुपीज़ में सच में दिस इस, मैं इसको बोलूँगी कि ये बिल्कुल मस्ट है प्रोडक्ट है मीशो से लेने वाला इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच है एंड इसलिए इसी रीजन से ये पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है इसमें जो साइजेस अवेलेबल थे 26 से लेकर 36 तक आपको मिल जाएंगे मैंने इसमें साइज़ 30 लिया है जो कि आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5'3 है एंड मुझ पर बिल्कुल परफेक्ट इसकी फ़िटिंग आई है कहीं से भी ऑल्ट्रेशन कराने की मुझे नीड नहीं है एंड अगर आप इसका फिट देखें वहाँ पे स्ट्रेट फिट मेंशन है एक्चुअली स्ट्रेट फिट ही है बट हल्का सा बॉटम में जाते जाते हल्का सा ये इसमें फ्लेयर आता है तो उसकी वजह से ये पहनने पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक दी है ओवरऑल गाइज इस डेनम जीन्स को मैं टोटल थम्स अप दूंगी मेरे मेरी आपको जो डेनेम दिखाऊंगी उसका कलर मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा सो so, वहाँ मेंशन था आइस ब्लू कलर एंड आप देख सकते हो कलर इसका बहुत ही प्यारा आया है फ्रंट लुक कुछ इस तरह से इसका एंड बैक साइड में ये कुछ इस तरह से दिखता है एंड गाइस सच बता रही हूँ इसकी जो फिटिंग आई है ना इतनी प्यारी आई है मुझ पर इसमें भी आपको बहुत सारे ट्वेंटी से लेकर थर्टी साइज मिल जाएगा थर्टी मैंने साइज़ लिया है एंड जब मैंने इसको पहना ना मुझे इसको सच में उतारने का मन नहीं किया चेंज करने का मन नहीं किया बिकॉज दिस इज़ सो सो कम्फर्टेबल फ़ैब्रिक इसका इतना ज़्यादा अच्छा है मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी के जो डेनिम्स होते हैं ना बिल्कुल इसका वैसा ही फैब्रिक है एंड इसकी स्टिचिंग आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फाइन है कहीं से भी कोई लूज थ्रेड नहीं है प्रॉपरली स्टिच हो रखा है ये गार्मेंट एंड इसका लिए मैंने जो प्राइस पे किया था सेवन हंड्रेड एंड सेवन रुपीज़ ही था मुझे लगता है गाइज डेफिनेटली इतना अमाउंट देना बनता है इसके लिए क्योंकि बहुत ही स्टाइलिश है बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका एंड इसका जो आप स्टोन वॉश की लुक देख रहे हो कितना ज़्यादा स्टाइलिश है ये एंड इसकी अगर आप फिटिंग की बात करूँ तो बहुत ही प्यारी फिटिंग आई है इसकी मेरी हाइट के लिए ये मुझ पर बहुत ही अच्छी बैठी है इसमें आपको शायद काफ़ी सारे शेड्स कलर्स मिल जाएंगे बट ये वाला शेड मैं गाइज आपको हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंड बहुत स्मार्ट दिख रहा है लेकिन मैंने लिया इस तरह से ब्लू कलर का डेनम एंड गाइस इसका भी कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है सो so, आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हो कुछ इस तरह से अगेन दिस इज ऑल्सो हाई वेस्टेड डेनम एंड बैक साइड से ये कुछ इस तरह से दिखती है तो ओवरऑल स्टिचिंग इसकी बड़ी प्यारी है कुछ इस तरह से एंड बहुत ही अगेन फाइनली अच्छे से स्टिच हो रखा है कहीं से भी कोई लूज थ्रेड नहीं है क्वालिटी वाइज गाइज मीशो से बहुत ही सच में पहले जितने भी डेनिम्स आए हैं हमेशा अच्छे ही आते हैं इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसके लिए मैंने जस्ट फाइव रुप फाइव फोर्टी रुपीज़ ही पे किया था इस uh, अमाउंट में गए सच में क्वालिटी सच में मीशो बहुत अच्छी देते हैं एंड अगेन इसमें भी आपको बहुत सारे साइजेस मिल जाएंगे मैंने थर्टी लिए जो कि आप देख सकते हो मुझे परफेक्टली फ़िट हुआ है ये इसकी जो लेंथ है मेरे ख्याल से एंकल लेंथ मैं इसको कहूँगी सो तो अगर आप uh, मेरी जितनी हाइट है या मेरी से हल्की थोड़ी छोटी है तो आपको ये परफेक्टली फ़िट होगा एंड अगेन इसका भी हल्का सा यहाँ पे प्लाजो लुक आता है नीचे से थोड़ा सा यहाँ ये वाइड लेग हो जाता है सो ओवरऑल गाइज दिस डेनम इज़ ऑल्सो अ मस्ट है फाइव फोर्टी रुपीज़ में गाइज़ अगर अच्छी क्वालिटी मिल जाती है ना तो उसको फटाफट -फड़ से ले लेना चाहिए इससे पहले कि वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाए आगे चीज दिखाने से पहले यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ बहुत ही अमेजिंग स्किन के प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ सो गाइज अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं आप जानते होंगे कि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है उसकी वजह से मुझे पिम्पल एक्ने यह सब होता ही रहता है वैसे तो वो थोड़े दिन में चले जाते हैं बट वो बहुत ही स्टबल एक्ने स्कार छोड़ जाते हैं स्पेशली डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं एंड देन समर सीजन में माउथ के आसपास मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है एंड मैं अक्सर क्रीम्स सिरम्स काफ़ी यूज़ करती रहती हूँ बट वो काफ़ी ज़्यादा थिक एंड ऑयली होते हैं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता उन्हें यूज़ करने का एंड गाइज रिसेंटली मैं डॉक्टर शेड्स विच इज़ अ वेरी वेरी रेनाउंड स्किन केयर ब्रांड इसके लिए मैं तो, uh, काफी दो काफ़ी दो तीन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ एंड ये सच में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं मेरे फेस पे सो so, ये है इनका केसर एंड कोजिक एसिड रेंज एंड मैं आप ये प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करती हूँ मेरा डेली स्किन केयर रूटीन कैसा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड सच में रिजल्ट सो, सो फेस को वॉश करने के बाद मैं यूज करती हूँ डॉक्टर शेद का केसर एंड कोजिक एसिड सिरम जिसके अंदर है केसर टू परसेंट कोर्जिक एसिड एंड फोर परसेंट नाइसनेमाइड विच हेल्प टू रिमूव पिगमेंटेशन स्टबन डार्क स्पॉट्स एंड पोस्ट एक्ने मार्क्स इसका टेक्चर बहुत ज्यादा लाइट वेट एंड इट इज वेरी जेंटल ऑन द स्किन अच्छे से स्किन पे अब्जॉर्व हो जाता है विदाउट लीविंग एनी

आउट करता है की वजह से अगेन पिगमेंटेशन एंड एंड पैचेस को रिड्यूस करता है। है, है, इसका टेक्सचर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कि नॉन स्टिकी फ्री तो ये स्किन पे बहुत अच्छे से ये लग जाता है विदाउट लिविंग एनी ऑयली और ग्रीसी लुक सारे डॉक्टर और सही प्रोडक्ट आपको दूसरी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे जैसे कि अमेजोन नाइका अमेंथन अब पर्पल पे भी अवेलेबल है एंड ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो के टैग प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिए हैं तो वहाँ पे भी आप इनको क्लिक करके अपने लिए फटाफट -फड़ से परचेज कर सकते हैं अब आ रही है वो टू वाली जीन्स दिखाने की एंड ये कुछ इस तरह से आई है मीशो से तो फ्रंट लुक कुछ इस तरह से इसका आगे से ये जो इसकी पॉकेट की डिटेलिंग है आप देख सकते हो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की है तो काफ़ी स्टाइलिश जीन्स है ये पीछे से में इसमें कुछ इस तरह से दिखती है पीछे बैक साइड में आपको कोई पॉकेट की डिटेलिंग नहीं मिलेगी इसमें बट पीछे कुछ इस तरह से इलास्टिक आता है तो ओवरऑल स्टमक पर पहनने पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इसकी बटन की क्वालिटी एंड इसकी ज़िप की क्वालिटी भी इन्होंने बहुत ही अच्छी दी है एंड यहाँ पर अगर इसकी स्टाइलिंग की बात करूँ तो बेसिकली ये थोड़ा सा ना बैगी फिट में आती है एंड दिस इज़ एंकल लेंथ जीन्स तो अगर आपकी हाइट मेरी जितनी है फाइव डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं घर पहनने के लिए या आसपास पास कि उन्होंने कहीं जाना होता है ऑफ़िस ऑफिस गोइंग तो नहीं बट अगर आप कॉलेज गोइंग है ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते बट आपको अच्छी डेनिम चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको मीशो से ले सकते हैं तो so इसमें थोड़ा सा बैगी लुक आता है आप देख सकते हैं मेरे पे पहने हुए एंड इसमें मैंने जो साइज़ लिए वो है थर्टी बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है बहुत सारे साइज में आपको ये मिल जाएगी एंकल लेंथ जीन्स है ये एंड कुछ इस तरह से नीचे साइड में आपको कुछ डिस्ट्रेस लुक मिलता है तो ओवरऑल गेज टू सिक्सटी वन रुपीज़ में इट्स नॉट अ वेरी यू नो वेरी हाई क्वालिटी नहीं कहूँगी बट अ वेरी डिसेंट परचेज एंड यहाँ पे हुक्स भी मिल जाएंगे तो अगर आपको बेल्ट पहननी है तो बेल्ट भी आप आराम से इसमें डाल सकते हैं हुक्स के अंदर सो टू सिक्सटी वन रुपीज़ में दिस इज ऑल्सो आई थिंक अ डिसेंट परचेज फ्रॉम मीशो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी दो कागो जींस एंड आजकल कागो जीन्स इतनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है सो so, पहले ली है मैंने इस तरह से ब्लू कलर की कागो जीन्स एंड फ्रंट लुक आप इसका देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है पॉकेट की डिटेलिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है स्टिचिंग इसकी बहुत अच्छी हो रखी है एंड इसमें कुछ बैक साइड से ये इस तरह से दिखती है सो ओवरऑल गाइस सच में इसकी क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी आई है ये मीशो से एंड इसके लिए मैंने आई थिंक फाइव नाइन्टी रुपीज़ के अराउंड ही पे किया था क्वालिटी सच में बहुत ही अच्छी है हाईली गुड मटेरियल ऑफ डेनम एंड दोनों साइड भी इसमें इस तरह से पॉकेट मिल जाते हैं जो इसको कार्गो लुक बहुत अच्छा देते हैं एंड इसके इस तरह से स्ट्रेट uh, फिट इसका लुक है सो ओवरऑल अगेन मेरी हाइट आप देख सकते हैं फाइव थ्री के हिसाब से अच्छी आई है बट थोड़ी सी स्टमक से टाइट थी सो so अगर मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगी कि यूजल जो आप अपना साइज पहनते हैं उससे एक साइज प्लस लें तो इसको मैं थर्टी टू साइज में एक्सचेंज कराऊंगी अपने लिए क्योंकि थर्टी साइज़ मेरे को स्टमक से थोड़ा सा टाइट है बट ओवरऑल इसकी फिटिंग अगेन ओवरऑल ठीक आई है थोड़ा सा प्लस साइज लूंगी तो शायद बेटर इसका फिटिंग आएगा मुझ पर तो गैस अगर आपको भी कोई कार्गो डेनिम चाहिए है ब्लू कलर में चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको मीशो से से ले सकते हैं क्योंकि सच में इसका फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई है नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन एक बड़ा ही डिफरेंट स्टाइल का कार्गो जीन्स एंड इसका कलर कुछ इस तरह से बेच कलर आया है फ्रंट लुक आप देख सकते हैं इस तरह से है अगेन हाई वेस्टेड डेनिम है ये आगे पॉकेट की डिटेलिंग आप देख सकते हैं वेरी वेरी डिफरेंट स्टाइल एंड यहाँ पे आपको बैक साइड पे ये कुछ इस तरह से दिखती है एंड क्योंकि कार्गो लुक है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दोनों साइड पर यहाँ पे आपको पॉकेट मिल जाएंगी थाए वाले एरिया पे जो इसको बहुत ही स्टाइलिश सा लुक देती है एंड इसकी भी अगेन फिटिंग कुछ इस तरह से स्ट्रेट फिट आता है ये एंड इसके लिए मैंने जो प्राइस पे किया था आई थिंक सिक्स नाइन्टी फाइव रुपीज़ सच में क्वालिटी इज़ टॉप नॉच गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है बिल्कुल जो हाई जो डेनिम्स होते हैं ना बहुत ही महंगी कंपनी वाले बिल्कुल इसका वैसा वाला मटेरियल है बहुत ही अच्छा आप इसको विंटर्स में पहने समर्स में पहने ऑफ ये कॉलेज गोइंग वाली लड़कियां तो इसको बहुत पसंद करने वाली है सो so गई इसमें भी जो मैंने साइज़ लिया है थर्टी परफेक्ट मुझ पर ये फ़िट हुई है एंड सिक्स में भी इसको मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी नेक्स्ट मैंने लिया है बड़ा ही हटके कलर वाला डेनम ये कुछ इस तरह से ब्राउन कलर में आया है एंड गाइज ये सिंगल कलर में ही डेनेम अवेलेबल है सो फ्रंट लो कुछ इस तरह से इसका अगेन दिस इज ऑल्सो हाई वेस्टेड डेनेम एंड प्रॉपर जो चॉकलेट का कलर होता है ना चॉकलेट ब्राउन कलर बहुत ही ब्यूटिफुल कलर है इसका बैक साइड में ये कुछ इस तरह से दिखती है एंड गई सच में इसकी भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब मुझे लगता है मैं बहुत यू you नो know, जब भी मीशो से कपड़े मंगाती हूँ स्पेशली डेनम मंगाती हूँ हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही आते हैं क्योंकि मैं हमेशा ना रिव्यू चेक करती हूँ किसी प्रोडक्ट को लेने से पहले अगर उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं आप भी ऐसा करें तो आपके पास भी अच्छे क्वालिटी के कपड़े ही आएंगे मीशो से सो अगेन दिस का भी जो डेनिम का मटीरियल है बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन है बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है स्ट्रेट फिट इसका कुछ इस तरह से लुक है एंड इसके लिए मैंने uh, जो प्राइस पे किया वो है सिक्स नाइन्टी सेवन रुपीज़ बट थोड़े बहुत प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं मीशो पे एंड अगेन इसमें मैंने जो साइज़ लिया है थर्टी परफेक्ट मुझ पर फिट हुई है बहुत स्मार्ट लुक दे लुक दे रही है एंड आई थिंक कभी कभी ना हटके के जब हम पहनते हैं तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है बहुत ही डिफरेंट स्टाइल आता है कुछ सो so ओवरऑल इसको भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी अब सारे डेनम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आपको अपने लिए कौन सा पसंद है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मैं आपसे जल्द मिलती हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ चिल्ड्रेन टेक केयर एंड बाय बाय